हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और उतना ही इजी चैप्टर। ओके, जैसे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, ये जो चैप्टर है इट इज कॉमन फॉर FYBAF, FYBMS, FYBBI। ठीक है, 11th में भी आप लोग हो तो ये चैप्टर जरूर आपको हेल्प करेगा। ठीक है, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ रिसिप्ट। ओके, सो अगर इसको शॉर्टकट में हम लोग समझेंगे तो एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जो आपका एक्सपेंस है, खर्चा है। ठीक है, एंड रिसीट का मतलब जो भी आपका इनकम है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में दिया जाता है कि कोई भी एक्स वाई जेड एग्जाम्पल होगा तो यू नीड टू फाइंड आउट कि ये एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर में भी कौन से टाइप का एक्सपेंडिचर है। ओके, वेदर इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर रिसीट है तो कौन से टाइप का रिसीट है और उसका आपको देना होता है रीजन। ठीक है, तो अब हम लोग इस लेक्चर में, इस वीडियो में, शॉर्ट वीडियो होगा, जो भी पढ़ोगे डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। और मजे की बात यह है कि चैप्टर जितना इजी है ये आपको 15 मार्क्स के लिए आता है। ठीक है, सो 15 मार्क्स के लिए डेफिनेटली, या फिर 7 to 8 मार्क्स का वेटेज होगा इफ यू आर इन बीकॉम, तो हो सकता है ये 10 मार्क्स का उसका वेटेज हो। ओके, बट श्योरली अगर ये चैप्टर पढ़ोगे इट विल हेल्प यू इन योर करंट एग्जाम एज वेल एज इन योर फ्यूचर ऑल्सो। ठीक है, सो क्विकली देख लेते हैं एक्सपेंडिचर। जैसे मैंने बोला, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। सो फर्स्ट एक्सपेंडिचर जो लिखा है दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे ये क्या होता है वो। ठीक है, सेकेंड एक्सपेंडिचर इज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड थर्ड एक्सपेंडिचर इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, दैट इज कॉल्ड एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो ये हुआ आपका खर्चा। दूसरा आता है रिसीट्स। रिसीट्स का मतलब होता है आपका इनकम। ठीक है, तो पहले आपको ये पहचानना है कि आपको जो एग्जाम्पल दिया है वो एक्सपेंडिचर का है या रिसीट का है। अगर आपको ये पता चला, ओके, फॉर एग्जाम्पल पैसा जा रहा है मतलब एक्सपेंडिचर है एंड पैसा आ रहा है मतलब रिसीट है। ठीक है, तो वो पहचानने के बाद आपको उसका टाइप पहचानना होगा। ठीक है, सो ये एक्सपेंडिचर देखा है। रिसीट्स में दो टाइप है, फर्स्ट वन इज कैपिटल रिसीट एंड सेकेंड वन इज रिवेन्यू रिसीट। ठीक है, सो थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लेते हैं हम लोग। जैसे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, टू टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर्स आर गिवन। सो देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, सो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिलेटेड टू कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या लिखा है, इनकर्ड इन एक्वायरिंग और इम्प्रूविंग परमानेंट एसेट्स नॉट मीन्ड फॉर रीसेल मे एड टू वैल्यू ऑफ एन एग्जिस्टिंग एसेट। ठीक है, सो एसेट खरीदने के लिए आप जो एक्सपेंडिचर कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल परचेस ऑफ लैंड बिल्डिंग, परचेस ऑफ फर्नीचर, ओके, तो ये जो खर्चा आप कर रहे हो उसको बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिकॉज एसेट्स का वैल्यू भी हाई होता है। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर का अमाउंट हमेशा बड़ा ही होगा। ठीक है, एज कंपेयर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या लिखा है आप लोग देख सकते हो, इट इज अ रूटीन एक्सपेंडिचर। जो डे टू डे आपका बिजनेस चलने के लिए जो खर्चा है, सैलरी पे किया, वेजेस पे किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया। ठीक है, इनकर्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एंड इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड मेंटेनेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट, रिपेयर्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, रिपेयर्स ऑफ फर्नीचर। ठीक है, सो ये आपने खाली रिपेयर किया, ओके, टू कीप दैट एसेट इन वर्किंग कंडीशन, आपने कुछ खरीदा नहीं है। ठीक है, सो ये कहां पे जाएगा आपका, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज गिवन, कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से क्या होता है, इंक्रीजेस अर्निंग कैपेसिटी। अगर आपने कोई एसेट खरीदा, मशीन खरीदा, डेफिनेटली आपके फैक्ट्री का, आपके बिजनेस का कैपेसिटी बढ़ेगा। वेयर एज रिवेन्यू में क्या होता है, मेंटेन्स द अर्निंग कैपेसिटी। ठीक है, अगर मैंने सैलरीज ही नहीं दिया, वेजेस ही नहीं दिया, लाइट बिल पे नहीं किया तो मेरा एक्टिविटी चल नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इट इज नॉर्मली अ नॉन रिकरिंग आउटले। और अगर आप रिवेन्यू में पढ़ते हो, इट इज यूजुअली अ रिकरिंग आइटम। नॉन रिकरिंग एंड रिकरिंग का मतलब क्या है, थोड़ा सा समझेंगे हम लोग। फॉर एग्जाम्पल सैलरी, सैलरी आप हर महीने देने वाले हो। अगर आपने जनवरी का सैलरी दिया, उसके बाद फेब का देना पड़ेगा, उसके बाद मार्च का देना पड़ेगा, सो दैट इज कॉल्ड एज रिकरिंग आइटम, बार बार होने वाला खर्चा है। ठीक है, तो वो कौन सा होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर आपने मशीन खरीदा 10 लाख का, हर महीने मशीन नहीं खरीदोगे। ठीक है, जो भी मशीन आपने खरीदा है 5 साल चलेगा, 10 साल चलेगा। अगर आपने गाड़ी खरीदा तो 10 साल चलेगा, 15 साल चलेगा। ठीक है,
हर महीने आप गाड़ी चेंज नहीं करोगे। सो वो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसको बोलते हैं नॉन रिकरिंग, मतलब रिपीट होने वाला नहीं है। ओके, सो कैपिटल नॉन रिकरिंग एंड रिवेन्यू रिकरिंग, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, इसके लिए आप ये पॉइंट्स में लिख सकते हो। जैसे मैंने बोला एक्सप्लेनेशन लिखना होता है कि हाँ भाई ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है बिकॉज इट इज रिकरिंग इन नेचर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इट प्रोड्यूसेस बेनिफिट्स ओवर सेवरल इयर्स, द स्मॉल पार्ट इज चार्ज टू इनकम स्टेटमेंट एज डेप्रिसिएशन एंड द रेस्ट अपीयर्स इन द बैलेंस शीट। तो ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर पार्ट लिखा है, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको हेल्प करेगा आपका इनकम बढ़ाने के लिए। अगर आपने आज मशीन खरीदा, नॉट नेसेसरी कि 2 महीने में उससे आपको प्रॉफिट मिल जाए, प्रॉफिट मिलेगा ठीक है, लेकिन थोड़ा समय जाना चाहिए, से ओवर द इयर्स आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। रेवेन्यू में क्या लिखा है, इट इज कंज्यूम विद इन एन अकाउंटिंग ईयर, बेनिफिट्स ओनली 1 ईयर। ओके, इस महीने का सैलरी दिया, इसी महीने में बेनिफिट होगा, फिर अगले महीने का देना पड़ेगा, फिर अगले महीने का देना पड़ेगा, मतलब ऐसा नहीं ना एक बार सैलरी दिया 5 साल फायदा हो रहा है, ठीक है। सो इट्स अ रिकरिंग आइटम, दस एंटायर अमाउंट इज चार्ज टू इनकम स्टेटमेंट, मतलब ये चीज आप कहां पे लिखते हो इनकम स्टेटमेंट में, लास्ट पॉइंट रीड करना बाकी अभी भी, डज नॉट अपियर इन द बैलेंस शीट। और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो वो कहां पे लिखोगे, इन एन आइटम ऑफ बैलेंस शीट। ओके, बैलेंस शीट में नॉर्मली एसेट साइड में लिखा जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, और जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको आप कहां पे लिखोगे, शोन इन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे सैलरी वेजेस, अगर आपको फाइनल अकाउंट्स का नॉलेज है तो ये आपको पता होगा कि ये जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको लिखा जाता है एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो बेसिक डिफरेंसेस हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक तीसरे टाइप का एक्सपेंडिचर आता है, अभी एक बात ध्यान से सुन लो, कैपिटल एक्सपेंडिचर का फायदा आपको 5 साल 10 साल तक होगा, ठीक है, ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का फायदा आपको 1 साल ही होगा, ठीक है, 1 साल ऐसे लिखा है, लेकिन शॉर्ट टर्म का फायदा होता है, दिस इज फॉर लॉन्ग टर्म, ये लॉन्ग टर्म है और ये शॉर्ट टर्म है, दोनों के बीच में एक आता है मीडियम टर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब खर्चा बड़ा होता है लाइक कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, लेकिन उसका बेनिफिट जो है वो सेवरल इयर्स में आपको मिलेगा, ठीक है, ना 5 साल 10 साल लॉन्ग बेनिफिट होगा ना खर्चा छोटा रहेगा, सो दोनों का कॉम्बिनेशन दैट इज डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो पढ़ते हैं क्विकली। सो डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, यू कैन सी द डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हैज मीडियम टर्म बेनिफिट्स, कैपिटल लॉन्ग टर्म, रिवेन्यू शॉर्ट टर्म, डेफर्ड रिवेन्यू मीडियम टर्म, मे बी 3 to 4 years, therefore cost of expenditure is divided in 3, 4 or 5 years, the part of deferred revenue expenditure benefit for current year debited to profit and loss account and remaining balance carried to subsequent years। इसका मतलब क्या है, revenue expenditure पूरा profit and loss में जाएगा, capital expenditure पूरा balance sheet में जाएगा, लेकिन deferred revenue expenditure अगर आपको 10,000 दिया, जैसे एग्जाम्पल आप लोग रीड कर सकते हो क्विकली, वो एग्जाम्पल ही देख लेते, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड 1 lakh ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर इश्यू करने के लिए आपने 1 lakh का डिस्काउंट दिया था, अभी ये एक्सपेंडिचर आपको करना ही पड़ेगा बिकॉज अगर आपको डिबेंचर इश्यू करना है, आपको लगता है डिबेंचर लोग ले तो उनको डिस्काउंट दे दिया था, ठीक है, लेकिन ये डायरेक्टली आप 1 lakh प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लिखोगे बिकॉज खर्चा थोड़ा सा ज्यादा है, तो उसको क्या किया, लाइकली टू बी रिडीम्ड आफ्टर 10 इयर्स, द बेनिफिट्स ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर आर फॉर 10 इयर्स। तो ये जो 1 lakh का खर्चा है आपने 10 साल में डिवाइड किया थोड़ा थोड़ा, ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ईयर मुझे 1 lakh डिवाइड करना है, तो फर्स्ट ईयर प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा 10,000, बचा हुआ 90,000 आएगा आपका अंडर द हेड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, ठीक है, या फिर उसको फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं जो आता है एसेट साइड में, क्लियर, 1 lakh खर्चा था, मैं डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लिख सकता हूं बिकॉज उसका बेनिफिट सेवरल इयर्स तक होगा, तो ये 10,000 आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में और ऊपर का 90,000 जो है वो आएगा अंडर द हेड एसेट, बट वो मेरा एक्चुअल एसेट नहीं है, इट वॉज माई एक्सपेंडिचर, इट इज माई एक्सपेंडिचर,
ये 90,000 जो है उसको बोला जाता है फिक्टिशियस एसेट, मींस बोगस एसेट। ये वर्ड आपने इसके पहले सुना होगा, ठीक है। आफ्टर 10 ईयर्स देर विल बी नो बैलेंस इन द अकाउंट। हर साल 10-10,000 लिखोगे और लास्ट में द बैलेंस विल बी नील, ठीक है। तो हम लोगों ने क्विकली शॉर्टकट में देखा था थ्री टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, टू टाइप ऑफ रिसीट। एक्सपेंडिचर के ऊपर ज्यादा फोकस करो, रिसीट आपको अपने आप आ जाएगा, ठीक है। एक बार पूरा वीडियो गो थ्रू कर लेना, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका एग्जाम्पल लेके आएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।